दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा वो निकला है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इन एनवायरमेंटल हेल्थ जो NIREH में आता है। तो इसके अंडर में दोस्तों बहुत सारा पोस्ट सब निकला है जो आपका टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो उस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ किसका जो क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों पहला पोस्ट है, पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट का जो बायोलॉजिकल साइंस में ग्रुप बी में आपका आ रहा है। यहाँ पर 23 पोस्ट है, उसका जो पे स्केल है लेवल 6 में 35,400 से 112,400। यहाँ पे बोला है कि जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है यहाँ पे बोला 3 ईयर्स बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस आपका होना चाहिए जो कि आपका जूलॉजी, बायोकेमिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में किए होंगे। और अगर पीजी डिग्री किए हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और मैक्सिमम एज जो बोला है 30 ईयर्स। सेकंड जो पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में ग्रुप बी में ये आपका आ रहा है और लेवल 6 में पे स्केल है इसका 35,400 से 112,400। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस बोला है और केमिस्ट्री आपका एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए। जो लोग पीजी किए हैं पोस्टग्रेजुएट डिग्री उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा और एज लिमिट जो है यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट बोला है 30 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद दोस्तों जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट जो एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल ये में आ रहा है ग्रुप बी में। इसका जो पे स्केल है लेवल 6 में 35,400 से 112,400 और यहाँ पे बैचलर डिग्री जो बोला है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल जो टॉक्सिकोलॉजी वो होता है उसी में आपका होना चाहिए। यहाँ पे अगर पीजी की है एनवायरमेंटल साइंस में तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट है 30। टेक्निकल असिस्टेंट बायो स्टैटिस्टिक में जो है आपका लेवल 6 में ये भी है, यहाँ पे भी आपका जो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स और ये बायो स्टैटिस्टिक बोला है, पीजी प्रेफरेंस एज लिमिट है 30 ईयर्स। इसके बाद दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पोस्ट है और यहाँ पे भी लेवल 6 में है इसका जो पे स्केल है, बैचलर डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला है, पीजी अगर किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट है 30 ईयर्स। और जो फाइनल पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट जो लाइब्रेरी साइंस में है लेवल 6 में, इसका भी पे स्केल है, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस अगर किए होंगे तो प्रेफरेंस किया दिया जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस अगर किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाए, एक्स्ट्रा जो प्रेफरेंस मिलेगा डिजायरेबल बोला है और एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑफ एज। तो सभी में जो एज लिमिट है 30 ईयर्स, यहाँ पे जो एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो सेवेंथ यहाँ पे पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आपका लेवल 6 में है, यहाँ पे बैचलर डिग्री बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और डिप्लोमा अगर किए हैं फर्स्ट क्लास में तो आप अप्लाई किए हैं कर सकते हैं। मास्टर डिग्री प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट 30। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला है लेवल 6 में है, यहाँ पे BE/BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा फर्स्ट क्लास है तो अप्लाई कर सकते हैं। PG या MTEC अगर होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट है जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग NIT, यहाँ पे आपका पे स्केल 6 में है, BE/BTEC जो कंप्यूटर साइंस ये सब में चाहिए, PG अगर किए हैं तो प्रेफरेंस किया जाएगा, एज लिमिट है 30। इसके बाद टेक्नीशियन का पोस्ट है, ये लेवल 2 में है, इसका सैलरी जो 19,900 से 63,200 है। और यहाँ पे बोला है कि 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, 55% मार्का यहाँ पे आपका होने के बाद आपका DMLT का जो सर्टिफिकेट है ये आपका होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो 3 ईयर्स का डिग्री जो किए हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट रखा गया है 28। और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का पोस्ट है, ये ग्रुप सी में लेवल 2 में है ये, और यहाँ पे भी 10+2 साइंस सब्जेक्ट आपका मांगा है और 1 ईयर का जो रेडियोलॉजी का सर्टिफिकेट अगर हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और 3 ईयर्स का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, एज लिमिट है 28 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल और एनिमल हाउस का अलग अलग पोस्ट है जो तीनों के लेवल 2 में है, यहाँ पे 10+2 साइंस मांगा है, 55% मार्क मांगा है, ठीक है। और डिप्लोमा अगर किए हैं तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट है तीनों पोस्ट में, एज लिमिट है 28। इसके अलावा दोस्तों लैब अटेंडेंट 1 और 2 दोनों है, यहाँ पे लैब अटेंडेंट जो है ये लेवल जो पे स्केल है लेवल 1 में है, लेवल 1 में जो पे स्केल है 18,000 से 56,900 तो यहाँ पे 10 पास मांगा है जो कि आपका 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर जो लेबोरेटरी में आपका होना चाहिए, एज लिमिट है 18 टू
25 दोनों में। इसको जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे बोला है कि आपका रिटर्न टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन का जो मार्क होगा उसी हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। और एज का जो रिलेक्शन रहता है एससी एसटी 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है। और इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है दोस्तों, आपको ऑनलाइन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा मतलब आपको जो फॉर्म है, आपका जो इसका वेबसाइट है www.nirs.org, वहाँ पे आपको जाके फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके इसको यहाँ पे एड्रेस दे दिया है, एड्रेस में आपको भेजना है जो कि आपका भोपाल का है। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच है, आप वहाँ से डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये सब यहाँ पे जो यहाँ पे अटैच करके दे दिया है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे अटैच करके दे दिया है। आप फिर इसी फॉर्मेट में आप इसको निकाल के इसको फॉर्म फिलअप करके सब सर्टिफिकेट अटैच करके यहाँ पे आपको भेजना है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको देख लीजिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।